नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चोरी नगर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचगांव में कुछ गरीबों के मकान तोड़कर प्रशासन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए गए। इससे गरीब बेघर हो गए और मकान तोड़ते समय कुछ गरीबों को चोट भी आई है। कुछ मकान जला दिए गए हैं। उन गरीबों का कहना है कि हमारा मकान तोड़ा गया है तो हमें दूसरी जगह आवंटित की जाए या हमें पुनः हमारे मकानों को स्थापित किया जाए। शासन प्रशासन कानून हमें न्याय दे, हमारे साथ अन्याय ना हो। जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने कुछ गरीबों और किसानों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आप इस न्यूज के माध्यम से जान सकते हैं। मैं ग्राम पंचगांव में खड़ा हूँ। ये पंचगांव के बीच, अमगांव और पंचगांव के बीच में एक टोला है। यहाँ पे ये प्रशासन शासन द्वारा एक अतिक्रमण किया गया है जिसमें लगभग 20 से 25 घर जो है तोड़ दिए गए और उनको सूचना दी गई थी पहले, लेकिन कुछ लोगों को सूचना नहीं मिली थी तो उनका घर इस प्रकार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जैसे कुछ घर में आग लगा दी गई है, कुछ घर को इतने तोड़ दिया गया है। कुछ लोगों को ये भी कहना है कि जब तोड़ा जा रहा था तब वो घर में थे, उन लोगों को चोट भी आई है। महिलाएं खाना बना रही थी तब भी उनके ऊपर एक दो लकड़ी गिरी है। अब उनकी प्रशासन से यही मांग है कि जब हमारा ये तोड़ा गया है तो हमको रहने के लिए आवास दी जाए। हम कहाँ रहें, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और उनका ये घर जब तोड़ा जा रहा था तब आप उपस्थित थे घर के अंदर? क्या कर रहे थे उस समय आप? खाना बना रहे थे। तो इसमें कुछ आपको चोट आई है जी? तो आग, ये आपकी जो पीछे आग लगी दिख रही है, तो ये प्रशासन द्वारा आग लगाई गई थी? किसके द्वारा आग लगाई गई है? प्रशासन द्वारा। तो आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन शासन से भी? तो अभी आपका रहने का कोई दूसरा स्थान दिया गया प्रशासन द्वारा? नहीं दिया गया। लगभग इसमें कितने घर ये प्रभावित हुए हैं? इसमें 25 घर प्रभावित हुए। तो ये जो है ये तोड़ा गया है किसी के माध्यम से या ये तूफान की वजह से हुआ है? राजनीतिक दबाव के कारण तोड़ा गया है और तहसीलदार मैडम और नायब तहसीलदार साहब ने यहाँ पर आके 4 बजे करीब पुलिस बल के साथ हमारी कुड़िया को तोड़ा गया है। हमने कुड़िया झोपड़ी खड़ी कर ली। उसके बाद जब वहाँ तहसीलदार मैडम आई तो उनने पूछी कि बोले सरपंच को बुला, बोले उनने ये बनाया है क्या? तो सरपंच ने हमको प्रस्ताव देने के लिए हाँ कह दिया और जब प्रस्ताव गांव में मांगने के लिए गए तो हमको प्रस्ताव भी नहीं दिया जा रहा है। कितने लोग थे लगभग घर में? चार पांच लोग थे। तो ये मारपीट भी की गई आपके साथ प्रशासन द्वारा? जी। और बर्तन बाहर सब खींच के बाहर फेंके हैं। जी जी। औरत के किसी बाहर जी। फास्ट समाचार के लिए छिंदवाड़ा से ललित रघुवंशी की रिपोर्ट।